हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बाय निशांत, जहां आपको देखने को मिलेंगी वीडियोस रिलेटेड टू फोटोग्राफी, यूट्यूब और टेक्नोलॉजी। हर हफ्ते न्यू वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। और आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बेसिकली एक बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम बात करेंगे ISO की। ISO का बेसिकली मीनिंग है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट, यानी कि आपका जो कैमरा का सेंसर है वो लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है। आपने देखा होगा कि आपके कैमरा में वेरियस ऑप्शंस होंगे ISO सेट करने के, जैसे 100, 200, 400, 1600, 3200 और 6400 से आगे भी ये नंबर जाता है। आप अपनी मर्जी से ISO का नंबर चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइट अवेलेबल इन द सीन। आपको कैसी इमेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इसका ISO का नंबर सेट करना पड़ता है। सो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे ISO का नंबर जैसे है 100 या 200, यानी कि ISO का नंबर कम है, जिसे हम लो ISO बोलते हैं। इसका मतलब जो कैमरा का सेंसर है इस ISO पे वो बहुत ही कम सेंसिटिव है टुवर्ड्स लाइट। सिमिलरली अगर ISO का नंबर ज़्यादा है, जैसे 1600, 3200 या 6400 या उससे भी ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि कैमरा का जो सेंसर है वो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ISO को कैसे सही तरह से यूज़ करना है। सपोज़ कीजिए कि हम अगर शूट कर रहे हैं तो अवेलेबल लाइट बहुत कम है। अगर अवेलेबल लाइट कम है तो हमें ISO का नंबर इंक्रीज़ करना है, जैसे 1600, 3200 या इससे भी ज़्यादा, ताकि जो हमारी फाइनल इमेज है उसमें एक्सपोजर कम ना हो और प्रॉपर बैलेंस हो जाए। और इससे ऑपोजिट अगर हम शूट कर रहे हैं ब्राइट सनलाइट में, डे लाइट में अगर हम शूट कर रहे हैं, तो हमें ISO का नंबर बिल्कुल ही कम करना है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा कैमरा का सेंसर बहुत ही सेंसिटिव हो लाइट को, बिकॉज ऑलरेडी देर इज प्लेंटी ऑफ लाइट जो अवेलेबल है सीन में। सो ISO का नंबर हमें बिल्कुल कम रखना है ताकि हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इमेज में। वरना क्या होगा, अगर हम ज़्यादा ISO सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी लाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सीन में, तो जो इमेज आएगी वो ओवर एक्सपोज होगी, जो आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी। सो हम ये बोल सकते हैं कि ISO इंक्रीज़ करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है लो लाइटिंग कंडीशन में। बट आपको ये बात ज़रूरी पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम ISO इनको इंक्रीज़ करेंगे, हमारी वीडियो में जो नॉइस है वो इंक्रीज़ होगा। जो ग्रेन आता है वीडियो में, जो कलरफुल से छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, नॉइस सी आ जाती है, वो इसी के कारण होती है क्योंकि हमने ISO का नंबर बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। नो डाउट इमेज एक्सपोज हो गई है, बट उसकी क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें और वो क्लियर बिल्कुल नहीं आएगी। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी आए तो ISO को एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज़ करें। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कैमराज के मॉडल पे। जो हाई एंड आजकल कैमराज आते हैं, जो अच्छे मॉडल्स हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं, उनमें ये फैसिलिटी होती है कि इवन एट हायर रेंज जो ISO इंक्रीज़ करने पर भी उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि हमें पिक किस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। लाइक हमें अगर बहुत बड़ा प्रिंट करवाना है उसका, तो हाई ISO पे कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि इतनी हाई ISO पे आप पिक को क्लिक करो और उसमें इतनी ग्रेन आए कि आप उसे यूज़ ना कर पाओ। हाँ, अगर सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करनी है, जैसे फेसबुक पे, तो हमें कोई इतनी नीड नहीं है कि हम बहुत बड़ा साइज़ अपलोड करें, वहाँ पे आप उस इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। और थर्डली ये डिपेंड करता है आपके लेंसेज पे। जैसे आप अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसका अपर्चर वाइड है, जैसे f1.4, 1.8 या 2.8 तक, जो कि लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब ये अगर अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसका वाइड अपर्चर है, तो ISO को आप उतना ही कम कर पाएंगे। अगर जैसे किट लेंस सपोज आपको मिलता है, वो 3.5 से 5.6 तक उसका अपर्चर होता है, मींस वो लो लाइटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ISO बम्प करनी पड़ेगी ऊपर, बट उससे क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप यूज़ करेंगे एक अच्छा लेंस जो कि लो लाइटिंग में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आपको ISO उतनी ही कम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो मेनली ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारा लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा कैमरा का मॉडल, और हमें वो किस पर्पज़ के लिए इमेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ISO की सेटिंग करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक ओवरव्यू सा मिल गया होगा कि ISO की सेटिंग हमें कैसी करनी है और ISO होता क्या है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा।
और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ उसे भी क्लिक करें सो दैट आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और हम आपके साथ कनेक्टेड रहें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी फोटोग्राफी की बात होती है तो एक टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो है शटर स्पीड। अगर आप नहीं जानते कि शटर स्पीड क्या है और जानना चाहते हैं कि शटर स्पीड कैसे वर्क करती है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप शटर स्पीड को करेक्टली यूज़ करके कैसे अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉट बाय निशांत, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं न्यू वीडियोस रिलेटेड टू फोटोग्राफी, टेक्नोलॉजी और यूट्यूब। तो आज हम बात करेंगे शटर स्पीड की। शटर स्पीड बेसिकली मींस द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द कैमरा शटर इज ओपन, मींस आपके कैमरा का जो शटर है वो कितनी देर के लिए खुला रहता है, चाहे वो एक सेकेंड हो, 1/250th ऑफ अ सेकेंड हो या फिर 1/4000th ऑफ अ सेकेंड। एक अच्छे फोटोग्राफर को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शटर स्पीड को कैसे यूज़ करना है। सो पहले हम जान लेते हैं कि शटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है और शटर स्पीड को करेक्टली यूज़ करके हम कैसे बेटर इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, शटर बनता है दो कर्टन से, कर्टन ए और कर्टन बी। जब हम क्लिक करते हैं फोटो खींचने के लिए तो जो कर्टन ए है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इससे क्या होगा जो लाइट है वो कैमरा के अंदर एंटर कर पाएगी। कर्टन बी भी उसको फॉलो करते हुए नीचे से ऊपर जाएगा और लाइट को कट कर देगा और उसके बाद ये दोनों नीचे आ जाएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे और ऐसे इमेज कैप्चर होगी। बट आजकल जो हम DSLR कैमरास यूज़ करते हैं उसमें एक स्टेप ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है कैमरा को पिक्चर क्लिक करने के लिए। जो हमारे DSLR कैमरास हैं उनमें शटर के आगे एक मिरर लगा होता है 45 डिग्री एंगल पे, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सो दैट हम व्यू फाइंडर में सामने सीन को देख पाएं। सो वो मिरर की बदौलत हम व्यू फाइंडर से सामने जो भी कुछ हो रहा है कैमरा के वो हम देख पाते हैं। सो जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो मिरर है शटर के आगे वो ऊपर को हो जाता है सो दैट लाइट अंदर एंटर कर पाए शटर के। शटर का बाकी जो मैकेनिज्म है वो सेम रहता है। जब इमेज क्लिक हो जाती है तो फिर दोबारा मिरर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, दैट इज 45 डिग्री एंगल पे, सो दैट अगेन हम व्यू फाइंडर से सामने सीन को देख पाएं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और टेक्निकल भी है, आप ऐसा करिए, आप इसको दोबारा सुनिए तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको अब तक समझ आ गया होगा कि शटर कैसे वर्क करता है। सो अब हम बात करेंगे शटर स्पीड की और इसे करेक्टली कैसे यूज़ करें अच्छी इमेजेस क्लिक करने के लिए। फर्स्ट वन इज फ्रीज द मोशन। अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने कैप्चर करना है, जैसे कि कोई कार जा रही है बहुत ही तेज स्पीड पे, तो आपको शटर स्पीड को बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, लेट से 1/250th ऑफ अ सेकेंड या इससे भी ज़्यादा, 1/2000 और 1/4000 ऑफ अ सेकेंड। सपोज 100 किलोमीटर की स्पीड पे कार जा रही है और उसको आपने बिल्कुल फ्रीज करना है, बिल्कुल स्टिल इमेज दिखानी है कि जैसे वो कार स्टिल खड़ी है। सो आप शटर स्पीड को बिल्कुल फास्ट करेंगे और इमेज क्लिक करेंगे तो कार बिल्कुल स्टिल नज़र आएगी, ऐसा कुछ ब्लरीनेस कुछ भी उसमें नज़र नहीं आएगा। सेकेंड वन इज स्लो शटर स्पीड। स्लो शटर स्पीड यूज़ करके हम बहुत ही ड्रामेटिक पिक्स क्लिक कर सकते हैं। आपने पिक्स देखी होगी वाटरफॉल्स की या रनिंग वाटर रिवर्स में, बहुत ही स्मूथ सा पानी लगता है उसमें, फॉगी सा लुक देता है, वो स्लो शटर स्पीड यूज़ करके ही वो इमेजेस को क्लिक किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कैमरा का शटर है वो ज़्यादा देर के लिए ओपन रहता है, तो जितनी देर तक कैमरा का शटर ओपन है उसके सामने जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी लाइक वाटर का मोशन है इस केस में, तो वो जितना भी मोशन होगा वो एक इमेज में कैप्चर हो जाएगा जितनी देर के लिए शटर खुला रहेगा। सो वो जो मोशन आपको शो होता है इमेज में वाटर का, फॉगी सा स्मूथ सा, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें स्लो शटर स्पीड यूज़ की होती है। थर्ड वन इज़ टू शो द मूवमेंट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट शो करना चाहते हैं अपनी इमेज में तो शटर स्पीड को चेंज करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको स्लो शटर स्पीड चाहिए होती है, नॉर्मली 1/30th ऑफ अ सेकेंड टू 1/60th ऑफ अ सेकेंड हम यूज़ करते हैं। सपोज़ आपको कार का मोशन शो करना है, जो कि एक स्पीड पे जा रही है कार, उसका मोशन आपको शो करना है, तो इसमें आप फास्ट शटर स्पीड नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज लाइक 1/2000 ऑफ अ सेकेंड आपने यूज़ कर लिया तो वो कार एकदम फ्रीज हो जाएगी, जैसे वो स्टिल खड़ी है, बट यू हैव टू शो द मोशन। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट से आप 1/50th ऑफ अ सेकेंड का शटर स्पीड चूज़ करते हैं और आपको क्या करना है, जैसे सपोज कार यहाँ से यहाँ इस साइड पे जा रही है,
उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कैमरा को लाइक ऐसे आप क्लिक कर रहे हैं तो कैमरा को बिल्कुल उसके साथ मूव करना पड़ेगा फोटो क्लिक करने के लिए। इससे क्या होगा, जो आपकी कार है वो फोकस में रहेगी और जो बैकग्राउंड है वो सारी ब्लरी नजर आएगी, जैसे कार बहुत फास्ट स्पीड पे मूव कर रही है। बट यू हैव टू डू इज आपको कैमरा उसके साथ मूव करना पड़ेगा, देन क्लिक करनी पड़ेगी। सो आई एम श्योर कि आपको पता लग गया होगा कि शटर कैसे वर्क करता है और शटर स्पीड को हम कैसे यूज कर सकते हैं बेटर इमेजेस क्लिक करने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके काम आएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको पता चलता रहे कि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इनसाइड माई नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।